आपको भी विंडो 10 इंस्टॉल करते टाइम अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप इसको किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। यही आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपू सिंह, आप देख रहे हैं टेक हैंगर यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी ही यूजफुल वीडियोज मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। देखिए, ये जो प्रॉब्लम आती है बेसिकली ये आपके ना तो कंप्यूटर की प्रॉब्लम है ना ही ये विंडो की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है बस एक GPT फॉर्मेट को चेंज करने का। उसमें ऑप्शन होता है ड्राइव में, उसको आप चेंज कर सकते हैं कमांड के जरिए। किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन सी कमांड है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाया हूँ। जैसा मैं कर रहा हूँ बस वैसा ही आपको करना है। इससे आप जो है बिना अपना कोई डेटा लॉस किए हुए आप इसको यूज कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। सो चलिए चलते हैं, हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन आपको दिखाते हैं और वहाँ पर बताते हैं कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव को लगा लेते हैं और पेन ड्राइव लगाने के बाद उसके बाद हम विंडो इंस्टॉल करते हैं। सो ये देखिए, मैंने अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव को फिट कर दिया है, यानी लगा दिया है USB पोर्ट में। यहाँ पर हमने पावर बटन ऑन कर दिया है अपने कंप्यूटर का और पावर ऑन करने के साथ ही हमें F10 दबाना है, अपने कीपैड में F10 दबाना है। कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा, यानी जो स्क्रीन है वो खुलेगी। यहाँ से हमें जो है स्टोरेज में आने के बाद बूट ऑर्डर पे आके UEFI जो है सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमें USB का जो हमने पेन ड्राइव लगाया हुआ है, देन हमें फाइल में जाना है और सेव चेंज एंड एग्जिट पर क्लिक कर देना है। तो इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद ये कहेगा यस, दोबारा से एंटर प्रेस कर दिए। अब हमें कुछ सेकंड वेट करना है, देन हमारा सिस्टम दोबारा से रीस्टार्ट होके रीओपन होगा। सो देखिए, हमारा सिस्टम दोबारा से रीओपन हो रहा है और रीओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा विंडो इंस्टॉल करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप इसका यही होगा। सो चलिए, मैं यहाँ पर इसमें एंटर कर दिया, अब इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया मैंने, इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इस सारे प्रोसेस में इनमें आपको टाइम लगता रहेगा। देखिए, अभी ये कह रहा है लाइसेंस की, सो हमारे पास नहीं है, हमने इस पर क्लिक कर दिया, आई डोंट हैव लाइसेंस की। देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से चूज कर लेना है विंडोज जो है Windows 10 Pro, और चूज करने के बाद हम यहां से इसका लाइसेंस एक्सेप्ट करके जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। देन चलिए हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर मैं आपको सेकंड वाला रिकमेंड करूंगा, कस्टम, आप कस्टम विंडो इंस्टॉल करिए। देन यहां पर देखिए, आपका जो ये आपकी जो हार्ड ड्राइव है इसमें विंडो इंस्टॉल नहीं हो सकती है, ये बता रहा है। जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बताई थी वही प्रॉब्लम इसमें आ रही है। किसी भी हार्ड ड्राइव में हम विंडो को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। इसको मैं देखता हूं अगर ये मैसेज इसका जो है वो क्या कहता है। सो उसके लिए मैं मैसेज वाले पे चलिए, अगर मैं यहां पे इसको फॉर्मेट भी करना चाहूंगा तो ये फॉर्मेट नहीं होगी। किसी भी हार्ड ड्राइव को मैं फॉर्मेट करना चाहूंगा, फॉर्मेट नहीं होगी। देन उसके बाद यहां पर फिर से दोबारा से वही मैसेज आ जाएगा। ये देखिए लिख रहा है, वी कुड नॉट फॉर्मेटेड सेलेक्टेड ड्राइव, मतलब इस ड्राइव को ये फॉर्मेट नहीं कर सकता है। सो हम इसको ओके कर देंगे और एक बार देखते हैं कि ये जो नीचे हमें यहाँ पर हार्ड ड्राइव दिख रही है और इसको हम रेफरेंस भी करके देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ नीचे जो मैसेज आ रहा था वो हमने देखा, तो ये कह रहा है कि ड्राइव के मतलब इस प्रॉब्लम की वजह से विंडो इंस्टॉल नहीं की जा सकती, इसके अंदर इसको आप GPT मोड में हार्ड ड्राइव को एक्टिवेट करो। उसके लिए हम इसको कर देंगे बंद। सो अभी इसमें जो है विंडो इंस्टॉल तो नहीं होगी। सो हम यहां से कर देंगे कट और कट करने के बाद क्विट करके हम सेम प्रोसेस से इसको दोबारा से रीस्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आने के बाद हमें शिफ्ट के साथ F10 दबा देना है, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। सो यहां पर हमें सबसे पहले लिखना है जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपको सेम वही चीज़ एंटर करना है जैसे मैं कर रहा हूं, वैसे ही आप करना, तभी इस प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं, यानी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, विंडो 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने डिस्क पार्ट एंटर किया और उसके बाद हम खुल गया। उसके बाद अब हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ डिस्क एंटर कर लेते हैं, जो डिस्क होंगी हमारे इस सिस्टम में वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। देन उसके बाद हमें डिस्क को सेलेक्ट करना है कमांड के जरिए,
सो चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट डिस्क कर देता हूँ, उसके बाद डिस्क नंबर डाल देता हूँ, और देन नंबर डालने के बाद चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको एंटर। मान लीजिए मैं जैसे जीरो वाली डिस्क एंटर करता हूँ तो ये जीरो डिस्क सेलेक्ट हो गई है, कह रहा है डिस्क जीरो इज नाउ द सेलेक्टेड डिस्क। उसके बाद ये क्लीन कर देता हूँ, मतलब ये फॉर्मेट हो जाएगी, अभी इसका जो डेटा है वो ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये डेटा उस हार्ड ड्राइव में जो भी डेटा है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्लीन करने के बाद ये कुछ सेकेंड का टाइम लेगा, और उसके बाद ये जो है पूरी हार्ड ड्राइव रीसेट हो जाएगी, यानी फॉर्मेट हो जाएगी। देन उसके बाद हमें एक कमांड देनी है कन्वर्ट, देन उसके बाद लिखना है GPT। सो चलिए मैं यहाँ GPT लिख देता हूँ, लिखने के बाद हमको एंटर कर देना है। तो हमारी ये जो हार्ड ड्राइव है ये GPT मोड में कन्वर्ट, देखिए GPT फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ से हम एग्जिट लिख के बाहर निकल आते हैं, कमांड को हम यहाँ से मिनिमाइज चलिए कर देते हैं। मिनिमाइज करने के बाद अब हम दोबारा से वहीं आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक करेंगे, और दोबारा से क्लिक करने के बाद देखिए ये कुछ प्रोसेस आपका लेगा हो सकता है। अभी मैंने वीडियो को काफ़ी कट कर दिया है 20 से, सो इस प्रोसेस से ही आपको करना है। विंडो 10 प्रो हम इंस्टॉल करेंगे, देन अभी हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए नेक्स्ट हो गया। अभी हम चलते हैं इसके आगे। और यहाँ से हमें लाइसेंस को आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। आपको कस्टम सेलेक्ट करना है, देखिए यहाँ पर आप हार्ड ड्राइव को जो सबसे ऊपर जीरो हार्ड ड्राइव हमने यहाँ से फॉर्मेट करी थी उसमें हम विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं, अब बाकी दूसरे किसी में भी नहीं कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए ये प्रोसेसिंग विंडो की शुरू हो गई है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहा होगा। सो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे यूजफुल वीडियो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं एक और वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।